नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी दर्शक यानी काफी सारे दर्शकों से हमें ये मांग आ रही थी, ये आर्यन खान का जो बेल एप्लीकेशन है सेशन कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में, उस विषय में जानकारी दे कि क्या होने की संभावना है। और उससे भी ज्यादा ये आ रही थी कि एनसीबी के जो जोनल डायरेक्टर है समीर वानखेड़े, उनके विषय में जानकारी दें। देखिए, समीर वानखेड़े जी के बारे में एक बहुत ही अच्छी जानकारी आई है। उन्होंने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को एक पत्र लिखा है, महाराष्ट्र के पुलिस महासंचालक को, ये कहते हुए कि उनका पीछा किया जा रहा है, उन्हें शैडो किया जा रहा है। यानी वो अक्सर जो है कब्रिस्तान जाते हैं जहां पर उनकी माता जी को मरणोपरांत दफनाया गया था, तो वहां पर उन्हें ऐसे मालूम हुआ कि उनका कोई पीछा कर रहा है। अब उन्हें इस विषय में उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, उन्हें संदेह है, शायद शक है कि महाराष्ट्र की पुलिस या मुंबई की पुलिस शायद उनका पीछा करती है। उन्होंने एक पत्र महाराष्ट्र के पुलिस महासंचालक को उस विषय में लिखा है और ये जो उनकी तकरार है, ये जो उनकी शिकायत है, इस पर महाराष्ट्र की सरकार क्या कार्रवाई करती है ये तो देखना अभी बाकी है। लेकिन ऐसी किसी घटना की संभावना आज की परिस्थिति में नकारी नहीं जा सकती। ये घटना है परसों की, परसों उन्होंने ये सब किया और कल के वर्तमान पत्रों में इस विषय में जानकारी आई थी। लेकिन ये सब के चलते विषय ये है कि क्या उन्हें खतरा हो सकता है। तो कल के वर्तमान पत्रों में ये भी जानकारी आई थी कि उन्होंने पुलिस संरक्षण की यानी पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की है अपने पत्र द्वारा। खैर, कायदा व सुव्यवस्था यानी कानून व सुव्यवस्था ही राज्य सरकार की जवाबदारी है, और अगर किसी भी केंद्र के अधिकारी कर्मचारी को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है या इस तरह का खतरा लगता है तो ये राज्य सरकार की जवाबदारी है, उनके यंत्रणाओं की जवाबदारी है कि उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए। देखिए, उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा ये विषय अलग है, लेकिन जवाबदारी उनकी है इनकी रक्षा करना, सुरक्षा करना। इन्हें जरा सी भी अगर कोई तकलीफ होती है तो ये सेंट्रल फोर्सेस काम पे लगा सकते हैं। इनके जो CISF है, CRPF है, ये सब इनके पास उपलब्ध है, लेकिन राज्य सरकार की जो जवाबदारी है उन्हें झटकने का मौका क्यों देगी, आपने खुद ही अपने सेंटर से अरेंज कर लिया। तो क्या ये जो पीछा कर रहे थे उनका, तथाकथित पीछा करने वाले, क्या ये पुलिस के लोग थे या फिर ये वो जो नवाब मलिक जो बार बार शाहरुख खान की तरह इन बारिश के मेंढक के जैसे बाहर आकर के PR मीडिया वाला काम करते हैं, आप ही का महाराष्ट्र साफ कर रहे हैं, ड्रग्स को हटा रहे हैं, युवा पीढ़ी को बचा रहे हैं महाराष्ट्र के, उसके ऊपर आक्षेप है किसे, वहां के मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक, क्यों है ऑब्जेक्शन, क्या आक्षेप है, उनके खुद के जमाई अंदर थे और उन्हें ये डर लगता होगा कि आर्यन खान के पूरे केस में कहीं इनके ही जमाई का नाम वापस से नहीं आ जाए, शायद ये हो सकता है। लेकिन वहां की जो पूरी मीडिया है, एक हाथ दो चैनल छोड़े, वो सब PR एजेंसी की तरह काम कर रहे हैं शाहरुख खान का। ये कहते हैं कि बच्चा था, सुनील शेट्टी जैसे आए थे, 800-900 करोड़ की संपत्ति उसके नाम पर की है, तब वो बच्चा नहीं था, है ये भी सब मालूम होगा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये कि आर्यन खान की जमानत आज सेशन कोर्ट में दोपहर को उसके ऊपर बहस होने जा रही है। लेकिन बहस होने से पहले जो NCB है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, वो इनके एप्लीकेशन, इनके अर्जी का जवाब देने जा रही है तीनों की, यानी ये अरबाज मर्चेंट, ये जो मुनमुन क्या नाम है उनका, और मुनमुन दमेचा और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, सभी का जवाब वो लिखित में दे ऐसे जरूरी नहीं है, उसके ऊपर आर्गुमेंट आज ही होती है या उसे फिर एक और तारीख उसके लिए दी जाती है, या फिर अगर आज ही उसकी आर्गुमेंट भी अगर होती है तो जो जिन्होंने पिटीशन फाइल की है वो पहले आर्ग्यू करेंगे, उसके बाद NCB का जो काउंसिल है वो आर्ग्यू करेंगे,
और क्या ये दोनों की आर्गुमेंट आज पूरी हो पाती है, ये भी एक विषय है, क्योंकि हर बात की खाद निकालने का काम है इतने बड़े केस में आर्ग्यू करना। आर्यन खान के तरफ से जो वकील खड़े हैं उनका तो यही कहना है कि इनके पोजीशन में कोई ड्रग्स नहीं पाए गए, लेकिन अगर एनसीबी के जो वकील हैं वो सही से आर्ग्यूमेंट अगर करते हैं, सही दलील देते हैं कि इन्होंने तो ड्रग्स का ट्रांसपोर्टेशन करवाया है, अरबाज मर्चेंट को गाड़ी में अपने साथ लेकर के गए ये जानते हुए कि अरबाज मर्चेंट ने अपने साथ ड्रग्स लाए हैं, तो ये ट्रांसपोर्टेशन के उनके ऊपर चार्जेस लगेंगे जिसकी सजा 10 से 20 साल तक हो सकती है, और अगर ये सही आर्गुमेंट वहां होता है तो इनकी जमानत की अर्जी रद्द होना ये तय है, एक पॉइंट है। और दूसरा कि इनके जो फॉरेन कनेक्शन है, जिस नाइजेरियन नेशनल को पकड़ा गया है, यानी साउथ अफ्रीका के एक देश के नागरिक को जो पकड़ा गया है 3-4 दिन पहले, वो भी जानकारी इन्हीं के ड्राइवर से मिली थी आर्यन खान के, तो आर्यन खान को भी मालूम रहा होगा। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन है इसकी जांच करने के लिए वक्त लग सकता है, और अगर ये बाहर निकले तो सभी सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर सकते हैं। इस संभावना को ध्यान में रखते हुए अगर सही आर्गुमेंट किया जाता है, इस तरह की संभावना है, तो जो स्पेशल कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, वो इस अर्जी को खारिज कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। अब ये देखना बाकी है कि इस विषय में क्या किया जाता है। अगर आर्गुमेंट सही तरीके से हुई, सही दलीलें पेश की गई, तो जरूर ये रिजेक्ट होने की संभावना 99.99% है। अगर ये सभी फैक्ट्स न्यायालय के रिकॉर्ड पे लाए गए तो दूसरी बात कि ये जो इम्तियाज खत्री का नाम आ रहा है, इन्हें 2 बार कुछ बुलाया गया है वहां जांच के लिए, तो वो वहां पर हाजिर हुए, इस प्रकार की जानकारी मिल रही है कि घर पर ऑफिस पर भी रेड की गई थी। अब क्या कनेक्शन मिला है, नहीं मिला है, और वहां से भी कोई अंतर्राष्ट्रीय और कोई कनेक्शन है क्या, इस विषय की एनसीबी के सूत्रों से जानकारी प्राप्त करने के लिए हम भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि ट्विटर पे अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि एक और व्यक्ति है टोनी असाई, ये बताए जाते हैं कि कश्मीरी हैं ओरिजिनली, और इनकी जो पढ़ाई है वो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने करवाई थी पढ़ाई की व्यवस्था, और अब वो बड़े आर्किटेक्ट माने जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, लंदन में रहते हैं। और शाहरुख खान के जो कथाकथित प्रॉपर्टी है या बंगले हैं दुबई में, तो माने जाता है कि उनके वहां पर है, उसका पूरा जो डिजाइनिंग और हर चीज की व्यवस्था ये टोनी असाई ने की, और ये वही टोनी असाई है जो यहाँ के किसानों के लिए ट्वीट करते हैं कि वहां पे ऐसा कर दो, वहां पे वैसा कर दो, और इनकी काफी सारी नजदीकियां हैं इमरान खान के साथ और ISI के साथ में, और इनके साथ में और भी एक बहुत बड़ा जुड़ा हुआ है। क्या इन लोगों का इस ड्रग रैकेट से कनेक्शन निकलता है या नहीं, इसकी भी तहकीकात एनसीबी कर रही है, उन्हें उसकी पूरी जानकारी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि पूरे एपिसोड के अंदर कि ये जो ड्रग्स से जो पैसों का व्यवहार होता है, ये पैसे चाहे क्रिप्टो करेंसी हो चाहे जैसे भी हो, ये जिन लोगों के पास जाते हैं विदेश में, वो इसे ही इसी से फाइनेंस करते हैं, इसी के मुनाफे से, प्रॉफिट से ये टेररिज्म को फाइनेंस करते हैं, यानी आतंकवाद को फाइनेंस करते हैं। तो इस तरह की ये पूरी जानकारी सूत्रों द्वारा हमें प्राप्त हो रही है। आज दोपहर में जो भी आर्गुमेंट होगा उसके ऊपर हमारी नजर बनी रहेगी स्पेशल कोर्ट में, और इस विषय पर आज की शाम में या रात में उसकी विस्तृत यानी डिटेल्ड जानकारी हम आपको एक वीडियो बनाकर जरूर आपके सामने रखेंगे। ये हमें तो मुश्किल ही लग रहा है कि पूरा आर्गुमेंट कंप्लीट हो पाएगा, अगर आर्गुमेंट आज किया जाता है तो भी दोनों तरफ का, दोनों पक्षों का आर्गुमेंट काफी लेंदी होगा, ये कुछ दिन तक चलने की संभावना है, कम से कम 2 दिन तो हम पकड़ ही रहे उसको, तो ऐसे हालात में मुश्किल से ही लगता है कि ये कंप्लीट हो पाएगा अगर हुआ तो, वरना ये फिर कल या परसों या 1-2 दिन या 4 दिन की डेट मिलेगी। वैसे जो भी होता है उसकी पूरी जानकारी हम आपके सामने एक वीडियो बनाकर जरूर आपके सामने पेश करेंगे आज ही देर शाम या रात में। तो इस तरह की पूरी जानकारी है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय पूरा सर्किट चल रहा है टेरर और ड्रग्स का, इस विषय में अगर आपको कुछ जानकारी है या आपकी जो भी कुछ राय है वो जरूर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बता सकते हैं, और हमें प्रोत्साहन करने के लिए आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको ये वीडियो की कंटेंट, ये वीडियो कैसा लगा। और आपसे एक और खास विनती है, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को
आपके सभी दोस्त मित्र रिश्तेदार परिवार के लोग और आपके जो अड़ोस पड़ोस में रहने वाले आपके प्रोफेशन में आपके काम में जो आपके सहकारी हैं सभी के साथ इसे शेयर करें ताकि सही सही जानकारी भारत की पूरी जनता तक प्राप्त हो सके। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के लिंक पर क्लिक करने के बाद उसके बाजू में जो बेल आइकन का स्विच है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन यानी सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको हमारे हर वीडियो की हर एपिसोड की तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप हमारे वीडियो द्वारा सही सही जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकें। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।